हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए आज देखते हैं एक यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। ये देखिए गाइस, हमने 3 दिन की मलाई इकट्ठा करी है, ठीक है। तो देखिये सर्दियों में तो निकालना ईजी होता है क्योंकि सर्दियों में ठंडक रहती है, कहीं भी मलाई रखो, फ्रिज में रखो या बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं होती है, स्मेल भी नहीं आती है। बट गर्मियों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि इसमें स्मेल आने लगती है, अगर फ्रिज में भी रखा है तब भी स्मेल आने लगती है। तो उसका तरीका यही है कि 2 दिन पर या 3 दिन पर मलाई निकालिए और इसको उबाल लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे आपको, ये हमारी 3 दिन की मलाई है तो इसको उबाल के हम रखेंगे अलग। और ये देखिए पुरानी जो मलाई हमने इकट्ठा करी थी उसको हमने उबाल के अच्छे से फ्रिज में पहले उबाला, उसके बाद जमा लिया दही का जामन लगा के, दही डालकर इसमें जमाया इसको। देखिए कि अच्छे से जम गया है, ठीक है। तो उसको जमा के फ्रिज में रख दिया था। अब इसको 2 से 3 घंटे हम बाहर रखेंगे, बाहर रखने के बाद मथेंगे। फिर इसमें आप देखते रहिएगा वीडियो, इसमें लास्ट में हम एक टिप देंगे जो कि उस तरह से भी आप घी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मक्खन वक्खन निकालना तो हमने बताया है, एक वीडियो हमारी है जिसमें लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो हमने यही सोचा कि एक बार और वीडियो ऐसी डालते हैं जिससे थोड़ा सा और हेल्प मिले आप लोगों को। तो देखते रहिएगा, देखना ना भूलिएगा, लास्ट में एक और अच्छी सी ट्रिक बताएंगे आपको अच्छे से घी निकालने की, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और 2 घंटे बाद मिलते हैं आपसे आके। ये देखिएगा, इस मथने का तरीका हम कई बार बता चुके हैं बट फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये 1-2 घंटे हो चुका है, तब भी पर देखिए मलाई कितनी सूखी ड्राई है, ठीक है। तो इसको हम इस बड़े बर्तन में कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने कर लिया है, अभी ड्राई है मलाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। अभी मुलायम पड़ जाएगी क्योंकि गर्मी है इस समय। देखिए ठंड में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती, बस जमाया और बाहर रख दिया और बस ऐसे ही फेंट लिया। देखो फेंटना हमने कई बार बताया, मगर गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके यहाँ फ्रिज है उसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस जमाया ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया और ओवरनाइट नहीं हो सके तो 2 घंटे फ्रिज में रख दिया और 2 घंटे के बाद निकाला। ये देखिए मुलायम होने लगी और अभी देखिएगा एकदम से फिट कर आ जाएगी पानी और मलाई एक साथ। देखिएगा हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो को, एकदम लाइव दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये देखिए मुलायम होने लगा, तो देखिए अभी चलाते चलाते एकदम से आ जाएगी मलाई। ये देखिए बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा चलाने में टाइट लग रहा है ना। ये देखिए, आप चाहें इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हमने एक वीडियो ऐसा भी डाला है जिसमें सिर्फ हाथ से ही फेंटना दिखाया है, किसी और चीज से नहीं। बट गर्मी है तो इस समय पर मिक्सी और हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हाथ की गर्मी और मिक्सी की गर्मी से जो मक्खन है हमारा वो पिघल जाएगा, इस वजह से हमको हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं चिमचे में बिल्कुल नहीं लग रहा है, हल्का सा पानी जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा होने लगा है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ऐसे करके फेंटते रहेंगे जैसे हम सब्जी चलाते हैं, बस उसी तरह से करते रहेंगे। देखिए अभी 2 मिनट हुआ है सिर्फ चलाते हुए, ये देखिए, ठीक है। तो ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल निकल के आ जाएगा गर्मियों में, तो सोचिए क्योंकि गर्मियों में निकालना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला होता है क्योंकि मलाई जो है वो मेल्ट हो जाती है बहुत जल्दी, तो हम निकाल नहीं सकते इतनी जल्दी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल चिमचे में नहीं आ रहा है। देखिए अगर ये मलाई नहीं निकलती है, मक्खन नहीं बनता है, तब फिर चिमचे में चिपक जाता है। अगर देखिए इस समय पर मक्खन हमारा बन चुका है, बिल्कुल भी चिमचे में नहीं आ रहा है और कुछ कण पानी के लग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये देखिए, इस तरह से हमें चलाना है बस। नहीं ऐसे चलाते बना तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे सब्जी चलाते हैं, ठीक है। और देखिए अभी 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए इसे पानी लगने लगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फिट चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे,
ये देखिए गाइस खूब अच्छे से निकल रहा है। अब हम अपना हाथ घुमा रहे हैं इसमें चमचा, तो ये अच्छे से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो और ये देखिए आप साइड में भी ये देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए मट्ठा जैसा आ गया है, तो इसका मतलब हमारा हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है, आप चाहे ठंडा पानी ऐड करें या फिर ताजा पानी तुरंत का, गर्म पानी बिल्कुल मत ऐड करें, ठीक है। तो अभी देखिएगा मक्खन बिल्कुल तैर कर ऊपर आ जाएगा। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अमेजिंग टिप बताएंगे, तरीका बताएंगे, जैसे कि आपकी जो कढ़ाई है वो भी गंदी नहीं होगी, मक्खन भी बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो देखिए ये देखिए आ गया सारा मक्खन, तो अब इस मक्खन को निकालेंगे बाहर। ये देखिए गाइस ऐसे करते करते देखिएगा एक साथ एकदम से आ जाएगा मक्खन ऊपर। ये देखिए आ चुका है मक्खन, ये देखिए। तो इस पर अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, अब अपना इसको निकाल के रखेंगे। एक चीज और गाइस, हम सारे मक्खन में वो प्रोसेस नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि व्रत आ रहे हैं और वो प्रोसेस जो है वो व्रत वाले घी में नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि कौन सा प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, तो इस मक्खन को सारा निकाल लेते हैं फिर बताते हैं आगे आके। ये देखिए गाइस हमने इतना घी निकाला है, ठीक है, इसमें ही वो प्रोसेस हम करके दिखाएंगे जो कि हमने आपको बताना है, ठीक है। और देखिए ये जो घी एक्स्ट्रा मलाई निकली हमारी, देखिए कितनी सारी मलाई निकली, आप खुद सोच लीजिए। ये देखिए इतनी ये मलाई है और इतना ये मक्खन, तो देखिए ये दोनों मक्खन कितने ज्यादा निकले हुए हैं। तो ठीक है, चलिए हम जो प्रोसेस आज आपको बताने वाले हैं, देखिए कई वीडियो हम डाल चुके हैं मलाई निकालने से रिलेटेड, ये एक अनोखा है, एक नए तरीका है, ठीक है। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये मक्खन हम बाद में गर्म करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपनी फ्लेम को ऑन कर दिया है, ठीक है, और अब हम इसमें इसको हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिएगा, इसको मेल्ट कर लेंगे पूरा। अब देखिए गाइस हमारा फुल फ्लेम पर मेल्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे इसमें एक बहुत मैजिकल चीज डालेंगे, ठीक है, ये देखिए सिर्फ ये हमारा आटा है जिससे हम रोटियां चपाती बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 स्पून आटा डालेंगे, 1 और 2 स्पून, ठीक है, खाने वाली 2 स्पून है बस, इसको इसी में मिला देंगे। और अब देखिएगा कितनी जल्दी घी निकलने लगता है। ये देखिए आटा डाल दिया, और अब इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी बॉयल नहीं हुआ ना इस वजह से, ठीक है। तो इसको अभी देखिएगा कितनी जल्दी घी निकलता है, कितना अच्छे से बन के आता है। ये देखिएगा, ये देखिए आपको दिखने लगा, ये देखिए कितनी जल्दी घी बन गया, तो आप देखिए कितना अच्छा मैजिकल है। ये देखिए बहुत अच्छे से घी निकल के आएगा, और देखिए 5 मिनट नहीं लगा और घी हमारा बाहर आ चुका है। बस दिक्कत इस बात की है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें हम इस घी को हम व्रत में नहीं खा सकते, अगर ऐसे ही खाना चाहें, खाने के साथ सब्जी रोटी चपाती कुछ बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से बना लेंगे, इसमें भी बहुत अच्छे से आएगी, मगर व्रत में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको पकाते हैं। ये देखिए गाइस घी हमारा निकल के आ गया है, बट अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है, ठीक है, इसके जो अंदर की जो खोई है वो लाल हो जाए थोड़ी सी अच्छे से, तब तक पकाना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइम पर अगर आप चलाना छोड़ भी दें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और लगभग लगभग हमारा घी हो चुका है, बट थोड़ा सा और हम कलर इसका रेड कर लेंगे अच्छे से, तो रेड करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारा लाल हो चुका है, ये जो अंदर घी का होता है, तो अब इसको हम बंद करेंगे और ठंडा करने के बाद छान लेंगे। तो फ्लेम बंद कर दीजिए, तो उसे अब ठंडा हो जाने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस इस तरह से रेड होना चाहिए, ठीक है, और देखिए घी दिख रहा है एकदम साफ साफ घी दिख रहा है अच्छे से। ये देखिए तो उसको अब छानते हैं अच्छे से। ये देखिए गाइस एक कटोरी ले लिया जितना है, ठीक है, और ये गीला कपड़ा हमने कर लिया है, कपड़े हम हमेशा कपड़े को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, छानने के लिए घी को। और देखिए अब इससे हम छानेंगे, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से डालते हुए छान लेंगे। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये देखिए अब इस तरह से करके हम इसको हटा देंगे,
इस तरह से। ये देखिए गाइस कितना सारा घी निकला हुआ है हमारा, ठीक है, इतना सारा घी और इतनी जल्दी निकल के आया है, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट लगे घी निकलने में। तो गाइस हम आपको बर्तन पास से दिखा रहे हैं, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं जला हुआ है। वैसे अगर हम स्टील के भगोने में घी गर्म करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हमारा भगोना जल जाता है, ठीक है, पतीला। और ये देखिए यहाँ पर जरा जरा सा ऐसे लगा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी जला नहीं है, देख सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से बनाइए घी। गाइस आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जरूर, आज की हमारी ये रेसिपी। और गाइस चाहते यही हैं कि जैसे हमारी उस वीडियो को आपने लाइक किया है और काफी सराहा है, तो इस वीडियो को भी आप देखें हमारा, कि ये हमने एक नई ट्रिक बताई है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।